सूरत के मैदरपुरा में डीसीबी पुलिस ने बैंक से पैसे निकालने वाले व्यक्ति को निशाना बनाकर नकद धोखाधड़ी करने वाले दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मोडस ऑपरेंडरी कैसे करते हैं तो घोषित किया था। मैदरपुरा में इन्हीं में से एक 50,000 रुपए की कट्टी छीन ली। पुलिस ने सूरत के अलग अलग इलाकों में एक बैंक के अंदर और बाहर खड़े होकर पैसे निकालने वाले लोगों को निशाने पर लेकर गड्डी गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो नकद धोखाधड़ी व स्नेचिंग में शामिल था। पुलिस ने गड्डी गैंग के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आशंका बताई जा रही है कि एटीएम और बैंकों में चोरी, डकैती या धोखाधड़ी के मामले सुलझेंगे। 50,000 रुपए का बंडल लूटा गया। सर्कल कानवी स्ट्रीट के पीछे मोबाइल साइकिल को लात मारी और उनमें से एक को पकड़ लिया, दूसरे को पकड़ लिया और उसकी पैंट की जेब से 50,000 रुपए नकद के साथ मुठभेड़ पर भाग गए। कोली को एक मामले में अपराध शाखा ने उठाया था। घंटों का गड्डी गिरोह के तौर तरीके गड्डी गिरोह के आरोपी तो लोग बड़ी आसानी से फंस जाते हैं। शहर के अलग अलग बैंकों के अंदर और बाहर देखते हुए उन्होंने उन लोगों को निशाना बनाया जो बैंक से पैसे निकाल रहे थे और उनसे बात कर रहे थे। उन्होंने लोगों को यह दिखाकर लालच दिया कि उनके पास जो पैसे उनके मालिक मकान मालिक द्वारा भुगतान नहीं दिया गया था, इसलिए उन्होंने इसे चुरा लिया और जमींदार का कार्यालय अधिवेजसा के पास नहीं जाते, वो वादी को मार मार के फिर उनसे लूट लेते थे। थोड़ा दिवस पहला एक बहने अँ कमिश्नर पुलिस ऑफिस में अमने संपर्क कराया था। एनी अरजी निवित तो ध्यान लेता जाना मळ्युं के आ बहने कोई ना पासे थी 5,00,000 रुपया व्याजे लीधा था। आ व्याजे लीधेल पैसा ना बदला में आ बहनना एक लगभग 14-15 लाख रुपयाना फ्लेट कब्जे करी लीधा अने आ कब्जा में कोई भाड़ूत बेसाड़ी देवामां आया। आ बेनना दीकराना कैंसरना इलाज हाल में चालू है। एना हसबेंड अहीं हता नहीं अने आ मकान ऊपर कब्जा करी लीधा था। बेने अहीं अरजी करी संपूर्ण गंभीरता थी अपने क्राइम ब्रांचना व्याज वटाणानी बाबते एक्सट्रोशन ना जे सेल छे आ सेलना अधिकारीनी टीमना आ कामगीरी सौंपवामां आवी। डीसीपी क्राइम एडिशनल सीपी क्राइम आ लोकोए मार्गदर्शन आप्युं अने सामावाळा जे हता जे एवी रीते व्याजना धंधा करीने शोषण करे छे आ लोकोने जेम आ जाणवा मळ्युं के पुलिस सामा तपास करे छे तात्कालिक आ बेन पासे आवीने तमाम फ्लेट एनी चाबी बधी विगत आ क्लियर करी दीधी। बेनने हवे संपूर्ण संतोष छे, परंतु गंभीर वात आ पण छे के जे लोको आ प्रकारे आ बेनना फ्लेट पचावीने बैठा हता एना विरुद्धमां अगाउ पण गंभीर फरियादो थयेल छे। आमां नवाईनी वात आ छे के आ प्रकारना तत्वो विरुद्धमां अमारी संपूर्णपणे कड़काई साथे पगला लेवानो अमारा निर्धार छे, परंतु लोको हजु पण कोई पण कारणसर भीकना लीधे पुलिस સુધી આવતા અચકાય છે। આપના માધ્યમો થકી હું સુરત શહેરમાં તમામ નાગરિકોને વિનંતી કરું છું કે આ પ્રકારના તત્વોના કોઈ પણ બહેકાવામાં આવવાનો નહીં। આ લોકો કાયદા ભંગ કરતા હોય છે, ગેરકાયદેસર વ્યાજ વટાણા કરીને કોઈના શોષણ કરવું એને અમે સંપૂર્ણપણે ગંભીર ગુના ગણીએ છીએ। આ ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ છે કાયદા પ્રમાણે, આમાં કોઈ પણ નાગરિકના શોષણ એવી રીતે થતા હોય તો એને મદદ કરવાની અમારી સંપૂર્ણ તૈયારી છે। આના માટે ક્રાઇમ બ્રાન્ચમાં સ્પેશિયલ સેલ છે, કોઈ પણ વિસ્તારના પોલીસ સ્ટેશનના ઇન્સ્પેક્ટરશ્રીને, એસીપી, ઝોનના ડીસીપી અથવા બંને સેક્ટર અધિકારીઓમાંથી કોઈને પણ સંપર્ક કરે અથવા ગમે ત્યારે 12 વાગે હું અમારી ઓફિસમાં મળતા હોઉં છું। કોઈ પણ અરજદાર આવે તો અહીં આવીને વાત કરે, તમામ આ પ્રકારના ભોગ બનનારને મદદ કરવા માટે અમે તૈયાર છીએ। થેન્ક યુ સર। આરોપી કોણ છે ને આમાં ગુનો દાખલ થયો છે? આમાં
बेने पछी फरियाद एनी तकलीफ दूर थई गई, अब फरियाद आपती नथी, परंतु अमने एटला संतोष छे के एनी तकलीफ दूर थई गई छे। आ लोकोए बीजा जेना जेना विरुद्ध में आनी तपास अमो करी रह्या छीए के कोने कोने एवी रीते गैरकायदेसर व्याज अने वधारे पड़ता व्याजनी वसूलात गुनाहित प्रवृत्ति तरीके आ लोकोए करी रही छे। आ तमाम तपास आगळनी चालू छे। थैंक यू।